अतीक का अंत हो चुका है, यानी अतीक अतीत हो चुका है, लेकिन उसके जुल्म और सतम की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, बाहर आ रही है। देखिए, उसी का एक हिस्सा है उसका टॉर्चर रूम, वो टॉर्चर रूम जहां उसने उमेश पाल को बंधक बनाकर रखा हुआ था, कई अन्य गुनाहों को भी उसी रूम में अंजाम दिया गया। अब उस टॉर्चर रूम के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अतीक अहमद, तब सिर्फ ये नाम ही काफी था, काफी थी उसकी पहचान और काफी था उसके गुर्गों का ये कह देना कि वो अतीक के आदमी है। अतीक माफियागिरी, गुंडागर्दी, रंगदारी का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका था और उसी हनक की एक तस्वीर दिखी थी 2016 में। अब अतीक मारा जा चुका है, लेकिन उसके खौफ की सच्चाई अब बाहर आ रही है, जो हर किसी को हैरान कर रही है। माफियागिरी के इस ब्रांड एम्बेसडर से जुड़ी एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 2016 की है, तब अतीक अहमद कानपुर से लखनऊ जा रहा था, समर्थकों के साथ लंबा सा काफिला और काफिले में करीब 1500 गाड़ियां। तब सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार थम चुकी थी, डरे सहमे लोग सड़क के किनारे हो चुके थे और देख रहे थे अतीक के उस दहशत को। अतीक को तब ना तो एम्बुलेंस की परवाह थी, न उसमें जा रहे मरीज की जिंदगी की। वो तारीख थी 22 दिसंबर 2016, जब 1500 गाड़ियों वाले काफिले की वजह से एम्बुलेंस फंसी। तो सुनिए अपने आप को बेताज बादशाह समझने वाले अतीक अहमद का बयान। उसे अपनी दबंगई और माफियागिरी का गुमान था, उसे ना तो कानून की परवाह थी ना किसी की जिंदगी की, क्योंकि वो बाहुबली था। आपसे बाहुबली की परिभाषा पूछना चाहते हैं, आप जानते हो बाहुबली की डिफिनेशन क्या है? आप बताओ, नहीं आप आज हमको बताओ बाहुबली की डिफिनेशन बताइए भाई। यहाँ के जो बड़े माफिया कहलाते हैं या जो दबंग लोग होते हैं या जो भू माफिया होते हैं, ये सब बाहुबली जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, असलाहे रखते हैं, असलाहे का इस्तेमाल। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। गजब की अकड़ थी, लेकिन सब कुछ मटिया मेट हो चुका है। पहले विधायक राजू पाल की हत्या और फिर उसके गवाह रहे उमेश पाल के कत्ल ने अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया। भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है, बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है, बीवी शाइस्ता फरार है, दो बेटे जेल में हैं, दो नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में रखे गए हैं। अतीक के गुरूर ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया, उसे अपने गुनाहों की परवाह नहीं थी। सियासी शह पाकर वो दबंगई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में तुला था। अतीक पर 100 से ज्यादा केस थे, लेकिन फैसला अभी सिर्फ एक में हुआ था। वो केस था 2006 का उमेश पाल अपहरण कांड। हत्या से कुछ दिन पहले ही अदालत ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राजू पाल हत्या केस में गवाही से रोकने के लिए अतीक ने उमेश पाल को अगवा किया था, जमकर मार पिटाई की थी। उसने प्रयागराज में अपने टॉर्चर रूम बनाए थे, जहां ले जाकर उमेश पाल का खूब टॉर्चर किया गया था ताकि गवाही से रोका जा सके। यही वो कमरा है जहां पर 2006 में उमेश पाल को बंदी बना के उसका अपहरण करके अतीक अहमद यहां ले आया था। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि 2007 में दर्ज कराए गए मुकदमे में उमेश पाल ने खुद FIR में लिखवाया है कि उसको कई दिनों तक यहां पे बंदी बनाया गया और उसके बाद उससे जबरदस्ती हलफनामे में साइन करवाए गए कि वो राजू पाल हत्याकांड में गवाही नहीं देगा। इसी केस के लिए जो मुकदमा दर्ज कराया था उमेश पाल ने, उसी की सुनवाई, उसी की गवाही के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जो ठीक यहां पर इसी कमरे में रची गई थी। अतीक अपने इस टॉर्चर रूम में हर वो दांव आजमाता था जो उसके गुनाहों की किताब में सबसे खौफनाक होता था। उसने इसे सेफ जोन बनाकर रखा था, तब कानून की नजरें भी इस टॉर्चर रूम तक पहुंचने से पहले धुंधली पड़ जाती थी। यहां से जो पूरा अगर आप देखेंगे तो ये जो शोर शराबा आपके सामने नजर आ रहा है, लगातार गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं, मेन रोड का ये रास्ता है। पहले जब यहां चुनाव होता था और बैठक लगती थी, तब ये किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि यहां से गाड़ी निकाल दें। पुलिस की बात करें तो ऐसी कई कंप्लेंट्स रजिस्टर करी गई हैं कि कोई व्यक्ति यहां से हॉर्न बजाता हुआ निकलता था। तो उस समय अतीक के जो गुर्गे थे, उसके जो गैंग मेंबर्स थे,
इसी बात पर कि हॉर्न बज रहा है बहुत तेज उठा लिया करते थे और उसके बाद उनको यहाँ पे कुछ टॉर्चर करते थे और सताया जाता था। लेकिन अब टॉर्चर रूम की कहानी बीती बात हो गई है। अतीक मिट्टी में मिल चुका है और उसकी माफिया गिरी भी दफन हो चुकी है। प्रयागराज से सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो।